चलो आज शायरी की हवा बहाते हैं। तुम उठा लाओ मीर गालिब की नज़में, हम अपनी दास्तां सुनाते हैं। तो अर्ज किया है, गिरते हुए जब सहारे के लिए हमने हाथ बढ़ाया, जिस अजनबी हाथ ने हमें थामा, हैरत कि उस पर अजनबी नाम नहीं लिखा था। The Taste of India Podcast, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं तिलिप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, ये जो दास्तां हमने सुनाई, जानते हैं ये पंक्तियां किसकी लिखी है? दिलीप की। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसे अजनबी आ जाते हैं कि हमें वो अपनों से भी ज्यादा अपनापन दे जाते हैं, और अगर ये एक अजनबी शहर में तो फिर किसी हैरत से कम नहीं है ना। और ऐसी ही एक कहानी आज दिलीप आपको सुनाएंगे। कहानी का शीर्षक है सत्तू की शरबत। मैं दिल्ली में नया था, नई नौकरी मिली थी, 4 महीने के मशक्कत के बाद। गर्मियों का मौसम था, मई की गर्मियां। हालांकि गर्मियां मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि मैं जिस शहर से था वहां भी कोई कम गर्मी नहीं होती थी, मगर दिल्ली की गर्मी अलग ही थी, दिल्ली की सर्दियों के जैसी। जिंदगी के वो मुश्किल दिन थे। एक दोस्त के साथ रह रहा था, अग्रीमेंट ये था कि सिर्फ नौकरी मिलने तक ही रह सकता था, इसीलिए रहने का नया ठिकाना भी ढूंढना था। ऑफिस का पहला दिन आया, जैसे तैसे DTC बसेस के धक्के खाते ऑफिस पहुंचा। अब उन दिनों फ्लाईओवर्स भी नहीं था, इसलिए हर चौक पर 1 घंटे का कम से कम ट्रैफिक होता था, तो ऑफिस पहुंचना भी किसी मशक्कत से कम नहीं था। थक कर ऑफिस में एंटर ही किया था कि रिसेप्शन पर वो मिला, हसमुख खुश मिजाज। आकर हाथ मिलाते हुए पूछा, न्यू जॉइनी? मैंने कहा यस। इंडक्शन और ट्रेनिंग रूम में मैंने देखा सब अजनबी से एक दूसरे से 1 कदम की दूरी पे बैठे थे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी वो रूम में आया और अगले आधे घंटे में ऐसे लगा जैसे कमरे में सब एक दूसरे को जानते हैं। वो जोक्स बोल रहा था, मजाक कर रहा था और सब सबसे घुल मिल गए। अगले दिन मुझे कंपलसरी मेडिकल चेकअप के लिए जाना था एज पार्ट ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट। जगह का पता नहीं था, इसलिए परेशान था कि डिस्पेंसरी तक पहुंचूंगा कैसे। तभी वो मेरी तरफ आया और पूछा, दोस्त कैसे जाने का प्लान है कल मेडिकल चेकअप के लिए? मैं जवाब देता इसके पहले वो बोला, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, स्कूटर है मेरे पास और तुम्हारा घर मेरे घर से पास ही है, इनफैक्ट डिस्पेंसरी भी कुछ ज्यादा दूर नहीं है। और मैंने हां करते हुए सर हिलाया। सुबह वक्त से पहले ही वो पहुंच गया। मैं परेशान था कि कैसे कांटेक्ट करूंगा सुबह सुबह उसको, मोबाइल फोन भी नहीं था मेरे पास उस समय, कॉल्स बड़े कॉस्टली थे, यहां तक कि इनकमिंग कॉल्स भी चार्जेबल थे, मगर उसने मुझे परेशान नहीं होने दिया। मेडिकल चेकअप के बाद उसने मुझसे कहा, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूं और किसी से मिलवाता हूं। मैं पूछता रहा पर उसने बताया नहीं कि वो कौन है, कहता रहा सरप्राइज है। वो मुझे सीधे अपने गली में एक घर के पास ले गया। कॉलिंग बेल बजाते हुए उसने कहा, तुम घर ढूंढ रहे थे ना, मुझे पता चला यहां एक घर है बैचलर्स के लायक, बात कर लो। तभी दरवाजा खुला और एक बुजुर्ग सी महिला आई। उसने उन्हें नमस्ते आंटी कहते हुए उनकी तरफ हाथ दिखाते हुए मुझसे कहा, इनका घर है, बात कर लो। 10 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगा और मैंने वो घर फाइनल कर लिया, दिल्ली में मेरा पहला घर।
जहां मैं 2 साल से ज्यादा रहा। उन बुजुर्ग आंटी से जो हेल्प मुझे उन 2 सालों में मिला, शायद उसकी वजह से ही मैं दिल्ली में बस पाया। सब कुछ फाइनलाइज करने के बाद हम उठे। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, अब चल तुझे दूसरा सरप्राइज देता हूं और किसी और से भी मिलवाता हूं। मैं हैरान था कि अब कौन। वो मुझे अपने घर ले गया। घर का दरवाजा खुला था। दरवाजे तक पहुंचते ही एक बच्चा दौड़ते हुए आया और उसके गोद में चढ़ गया। उसने उस बच्चे से कहा, अंकल को हेलो बोलो, और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये मेरा बेटा है। फिर उसने किचन की तरफ देखते हुए आवाज लगाया। किचन से बाहर आ रही महिला की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरी धर्मपत्नी है। मैं हैरान था, निशब्द। क्यों? क्योंकि एक दिन पहले ऑफिस में मैंने उसे एम्प्लॉयमेंट फॉर्म भरते हुए देखा था। उसने मैरिटल स्टेटस वाले फील्ड में सिंगल लिखा था। मैंने उसे कोने की ओर खींचते हुए पूछा, फिर तुमने एम्प्लॉयमेंट फॉर्म में मैरिटल स्टेटस वाले कॉलम में सिंगल क्यों लिखा? वो मुस्कुराते हुए बोला, कभी कभी लाइफ में एक्साइटमेंट और फन जरूरी होता है। मैरिड लिखते ही लोग मुझे मुर्दा समझने लगते। लोग सोचते हैं कि शादी के साथ ही सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मैं उसे देखता रहा। सोफा में बैठते हुए उसने अपनी पत्नी से कहा, ये भाई दिल्ली में नया है, इसको बिहारी स्टाइल में जलपान करवाओ, पहले बिहारी वाली शरबत। मैंने उसे देखा, वो मेरा सवाल समझ गया था। उसने कहा, तुमने इस शरबत के बारे में सुना तो नहीं होगा, अनलेस तुम्हारा मेरी तरह किसी जेन्युइन बिहारी से पाला पड़ा हो। इसका नाम है सत्तू की शरबत, बोलते हुए वो हंसने लगा। वो पहली बार था जब मैंने सत्तू की शरबत पिया था। बहुत ही स्वादिष्ट था और उसका स्वाद मेरे साथ हमेशा रहा, एक बिहारी से मेरी शादी होते तक। महज इत्तेफाक था कि मैंने जिसे अपनी अर्धांगिनी चुना वो भी एक बिहारी थी, या शायद ये एक प्लान था सत्तू की शरबत के उस स्वाद को हमेशा अपने साथ रखने के लिए, या शायद ये एक फैसला था उस अजनबी से इंसान की उस अपनेपन को जिंदगी भर जीते रहने का। एक अजनबी जो कहीं जिंदगी की भीड़ में, जिंदगी की दौड़ में मुझसे बिछड़ गया, मगर उस सत्तू के शरबत का जायका मेरे होठों पर आज भी जिंदा है। शायद उसके जायके से ज्यादा उस दोस्त की जिंदा दिली और उसका अपनापन एक अजनबी के लिए, वो भी दिल्ली जैसे शहर में जहां शायद ही किसी को अपने आप की भी खबर हो। अजनबी शहर में एक अजनबी और सत्तू के शरबत, बहुत ही अच्छी कहानी थी दिलीप। थैंक यू पूजा। वैसे आपको पता है, इस सत्तू की शरबत से मुझे एक और चीज याद आ गया। वो क्या? मेरा मायका। मायका क्यों? वो क्यों मैं आज तो नहीं बताऊंगी, वो अगले एपिसोड में। ठीक है, तो अब चलें आगे बढ़ें। जरूर दिलीप, बढ़ते हैं आगे। तो फिर क्या बना रहे हैं आज हम? दिलीप, सत्तू की बात चली ही है तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, कुछ सत्तू से ही बनाएंगे हम आज, और उसका नाम है सत्तू के लड्डू। ओह, सत्तू के लड्डू। सत्तू, विच यूज टू बी द मोस्ट अंडर एस्टिमेटेड इंडियन सुपर फूड, ओवरलुक्ड बिकॉज इट इज अपेरेंटली टू सिंपल, इग्नोर्ड बिकॉज इट इज डर्ट चीप, एंड टेकन फॉर ग्रांटेड बिकॉज इट्स अ पुअर पर्सन्स एवरीडे मील, राइट? एग्जैक्टली। और श्रोताओं, अगर तो आप कभी भी बिहार, यूपी, झारखंड गए हैं तो आई एम श्योर आपने देखा होगा कि गर्मियों में खासकर वहां पर अक्सर हर गलियों में सत्तू का शरबत जो है वो रेड़ी पर बेचा जाता है। और आप देखेंगे कि अक्सर जो मजदूर होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स जो होते हैं, वो लोग जो है अपनी दिन की शुरुआत जो है वो सत्तू के शरबत से ही करते हैं। पता है क्यों? आई नो, because sattu gives them the energy to work. Exactly. और तो और, आपको पता है, आज वही सत्तू जो गरीबों का खाना माना जाता था कल तक, वही सत्तू आज सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। तो पूजा, सवाल ये उठता है कि सत्तू आखिर है क्या?
दरअप सत्तू जो है वो बेसिकली बंगाल ग्राम को जो है रोस्ट करके बनाया जाता है, उसको पाउडर किया जाता है, तो वही है सत्तू। और इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, आपको पता है। सत्तू जो है ईजिली अवेलेबल होता है, ईजिली बनाए जा सकते हैं, और तो और ईजिली डाइजेस्टेबल भी होता है। तो चलिए बनाते हैं गुणवत्ता से भरपूर सत्तू के लड्डू। Okay, so let's take a look at the ingredients then. सामग्री तो बहुत ही कम है इस रेसिपी को बनाने के लिए, तो चलिए लिखते हैं। सत्तू के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे 1 कप सत्तू, 1/2 कप जो है हमें जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का जो पाउडर होता है मिलता है वो, और आप प्रेफर करें कि गुड़ का पाउडर जब आप लेंगे तो वो आप ऑर्गेनिक ही लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 टेबलस्पून जो है हमें घी चाहिए होंगे और 1/4 टीस्पून जो है इलायची पाउडर चाहिए होगा। ओके, सो द इंग्रेडिएंट्स वेरी सिंपल। यू विल नीड 1 कप ऑफ सत्तू फ्लावर, 1/2 कप जैगरी पाउडर, प्रेफरेबली ऑर्गेनिक जैगरी पाउडर, 4 टेबलस्पून घी एंड 1/4 टीस्पून कार्डमम पाउडर। तो आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून घी गरम करेंगे और घी के गरम होते ही हम उसमें डालेंगे सत्तू का आटा और इसे हम जो है थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। इसे हमें ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, बस थोड़ा सा रोस्ट करना है लो फ्लेम पर, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। और उसके बाद हम इस आटे को हटाकर एक प्लेट में या फिर एक बड़े से बोल में रख देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि जिसमें हमने सत्तू का आटा निकाल कर रखा है रोस्ट किया हुआ, उसमें हम डालेंगे जैगरी पाउडर और कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर डालेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 टेबलस्पून घी और अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। और फिर उसके बाद हम इस मिक्सचर से लड्डू बनाएंगे। अगर आपको लड्डू बनाते वक्त जो है अगर आपको लग रहा है कि आप लड्डू नहीं बना पा रहे हैं तो आप उस टाइम पे काम कर सकते हैं कि थोड़ा सा घी और भी डाल सकते हैं ताकि आप लड्डू आसानी से बना सकें। और दूसरी बात ये कि लड्डू जब आप बनाएंगे आप ध्यान रखें कि वो थोड़ा सा आटा जो है जो रोस्ट किया हुआ है वो थोड़ा सा गर्म हो उसी टाइम पर आप बना लें ताकि वो गोल आकार अच्छे से आ जाए लड्डू में। तो बस हमारा सत्तू का लड्डू तैयार हो गया है। आप इसे सर्व करें एज ए स्नैक, बच्चों के टिफ़िन में आप डाल सकते हैं स्नैक्स के तौर पर, बच्चे जब स्कूल से आ जाते हैं तब उन्हें आफ्टर स्कूल स्नैक्स दे सकते हैं। और इनफैक्ट ये एक बहुत ही अच्छा एनर्जी बॉल है जिसे खाते ही आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है, तो ये बच्चों बूढ़ों बड़ों सभी के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। सो ऑन टू द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। First of all, heat 1 tablespoon ghee in a kadai or pan. Then add sattu flour to it and mix the flour well with the ghee. And then roast the sattu flour on a very low flame. Keep stirring in between while roasting and roast it for about 2 to 3 minutes. You don't have to roast it a lot. Just lightly roast it on low flame for about 2 to 3 minutes. Then remove it in a separate bowl. Then add jaggery powder and cardamom powder to it and mix everything well. Then add 3 tablespoon ghee to it and give it a nice mix. Now shape this mixture into laddus while the mixture is slightly warm. If you're unable to form laddus, then you can add a little more ghee to it and then make small balls out of it in the form of laddus. Serve this sattu laddu as a sweet snack, and because it gives you a lot of energy, this can also be packed in your kids' lunchbox and it is equally healthy for everybody in your family. तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। आप भी बनाएं इस लड्डू को और खाएं और हमें अपने अपनी राय देना ना भूलें। तो जैसा मैंने कहा आपको कि सत्तू जो है वो बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है और आपको पता है कि सत्तू से बहुत ही सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, जैसे सत्तू के पराठे बना सकते हैं, सत्तू का शरबत बना सकते हैं, सत्तू के लड्डू और भी कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। तो आप बस इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपके साथ ढेर सारी सत्तू की रेसिपी को करेंगे। तो बस आज के लिए दलप इतना ही। Okay, so to share your feedback, do visit thetasteofindia.com and you can send us your feedback and your suggestions over there. Do subscribe to the podcast so that you stay updated with the latest recipes that we come out with.
We are available on pretty much all podcasting platforms. So whatever is your choice of the platform, pick it and listen to the Taste of India podcast in there. We'll come back again the next week with another tasty recipe and some very interesting stories and chit-chats. Until then, keep listening to the Taste of India podcast and you all have a wonderful rest of the week. This is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja.